वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कभी जनजाति समाज से किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर जनजाति समाज का सम्मान बढ़ाया। 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के जनजाति के काम शुरू किए थे कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। तो भगवान भला करे, उनकी कुबति सूझी, सरकार गिर गई, शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया है। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है।